अब तीसरा प्रश्न है, भगवान की आंख की पुतली का रंग क्या है? सफेद। कौन बताएगा? किसी ने ढूंढा कुछ? देखो, भगवान की आंख की पुतली का रंग श्याम और श्वेत तो है, आंखें पापा ने बताया, लेकिन भगवान की वहां आंख की पुतली का जो रंग होता है वो गौण हो जाता है। गौण मतलब समझ गए, गौण मतलब है नहीं है बराबर, और उसको हम कहते हैं भगवान के आंख के अंदर की पुतली की जो दृष्टि है वो कहलाती है दिव्य दृष्टि। वो है दिव्य दृष्टि। भगवान अब अपनी आंख से नहीं, अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। कैसा लगा सुनिए? छोटी सी चीज है, बताओ जल्दी आती थी। ए है दिव्य दृष्टि, मतलब भगवान की आंख का रंग जो होता है पुतली का श्याम और श्वेत, तो पूजा में आया है, लेकिन श्याम और श्वेत के साथ भगवान के अब रंग कलर सब चले गए, अब केवल भगवान देख रहे हैं अपनी दिव्य। तो आंख बंद है, आंख खुल रहे, बस अपने दिव्य दृष्टि से समझ रहे हैं। हिमानी दीदी हीरे के मंदिर बनाएगी, हमारे शीला मम्मी भगवान की माता पिता बनेंगी, हमारे केसी जैन पापा जी मोतियों की बरसात करेंगे तीनों लोगों में। ये भगवान दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी आंख से नहीं देख रहे, समझ गए ना? तो ये होगा भगवान की दिव्य दृष्टि। एक मिनट में जवाब दिया, बाकी इसका भी पूरा एक घंटे का स्वरूप में प्रवचन है। अब आइए आगे, प्रश्न है भगवान अपने कानों को लंबा करके कंधे पर स्पर्श करके तीन सर्किल बने होते हैं। भगवान पता नहीं आप लोगों ने कभी ऐसे भगवान ही नहीं देखे, कैसे लोग हैं? भगवान के कान यहाँ तक लंबे होते हैं, एक दो और तीन। सोने की मम्मी दिल्ली में सोमंदे है, पता नहीं क्या कर रही है। भगवान के लंबे कान और यहाँ तीन सर्किल साफ साफ दिखाई देते हैं, बिल्कुल साफ साफ होते हैं। तो ये तीन सर्किल है और ये कान लंबे है, इसका विवेचन में पांच घंटे में पांच दिन में भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूं, फिर कभी मिलेंगे तब देखेंगे, मैं इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। कि भगवान के जो कान है वो लंबे होकर यहां तीन सर्किल है, तो तीन सर्किल प्रतीक है भूत भविष्य और वर्तमान की। तो भगवान अपने कहते ना चिंता मत कर, मैं तेरा भार अपने कंधे पर लेता हूं, समझ रहे हो? बोलते ना, अरे बेटा क्यों चिंता करता है, मैं तेरा भार अपने कंधे पर लेता हूं। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की आराधना करता है, जो भगवान के सिद्धांतों पर चलता है, जो भगवान की बातों को आचरण में लेता है, तो भगवान कुछ नहीं करते, पर स्वयं ही भगवान कानों से उसकी बातों को सुनकर जो उसके सिद्धांत को अपना लेता है प्रभु के, वो सिद्धांतों के माध्यम से भगवान भूत भविष्य वर्तमान काल में संसार के हर जीव के भार को अपने कंधे में ले लेते हैं। एक कंधा है भूत भविष्य और वर्तमान का प्रतीक, कान से सुनते और भार लेते हैं कंधे पर, और कंधे पर लेते हैं भूत भविष्य वर्तमान का भार, इसलिए तीन ये प्रतीक है। इस शॉर्टकट में अब टाइम नहीं है, बाकी इसका और भी बड़ा बड़ा उत्तर है, लेकिन आप सिंपली